मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। और कठुआ कांड के आरोपी जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया इन दिनों चर्चाओं से गायब हैं, और ऐसे में सांझी राम के बयान ने तो कहीं ना कहीं इस केस को बहुत बड़ा इस केस को बहुत मजबूत वजह दी थी कि उसी ने हत्या कराई है बच्ची की और वही मास्टर माइंड है, लेकिन उसके पीछे उसने वजह बताई थी कि आखिर उसने इस केस को अंजाम क्यों दिया। चलिए, इसमें जो आरोपी हैं, लगभग 8 आरोपी हैं, सांझी राम, दिशा जंगोत्रा और 2 पुलिसकर्मी भी हैं और उसका नाबालिग भतीजा भी है, इसके अलावा और भी आरोपी हैं। दीपक खजूरिया का जिक्र करूंगी। दीपक खजूरिया वो शख्स है जिसने बच्ची को मारने से पहले उसके साथ गंदा काम किया और फिर उसको अपने घुटनों में दबाकर मारा, लेकिन जब वो मरी नहीं और उसको चेक किया कि वो मरी कि नहीं मरी, और जब लगा कि नहीं मरी तो उसके चेहरे पर पत्थर मारे और जिससे वो मर गई। सोचिए जरा, पुलिस ऑफिसर है, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अब ऐसे में एक खबर हमने आपको दिखाई थी अपने प्रोग्राम में कि उसकी जो मंगेतर है उसने कहा है कि दीपक खजूरिया दोषी नहीं है, अगर वो दोषी है तो फिर मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। दिसंबर में उसकी सगाई हुई थी बीते साल और उसकी शादी होनी थी अप्रैल में, यानी बीता अप्रैल जो बीत गया है, इसी बीते अप्रैल में होनी थी शादी, लेकिन ऐसा ये केस सामने आने पर मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया। मंगेतर ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं आपको वो खबर दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि आखिर दीपक खजूरिया की माँ का रुख क्या है, वो बताऊंगी। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी को लेकर देश के लोग काफी आक्रोशित है, और ऐसे में जो उनकी मंगेतर हैं 24 साल की हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछूंगी कि क्या ये गुनाह किया है, और उसकी मंगेतर ने कहा कि मैं जानती हूं वो मुझे सच बताएगा, अगर वो मना करता है तो मैं उसके वापस आने तक उसका इंतजार करूंगी, वही अगर वो कबूल करता है कि हाँ उसने ये गुनाह किया है तो मैं अपने घर वालों से कह दूंगी कि मेरे लिए कोई और जीवन साथी ढूंढ ले। इसके बाद शर्मा ने कहा कि मैं उससे केवल एक बार ही मिली हूँ, वो भी हमारी सगाई वाले दिन, लेकिन हम फोन पर बातें किया करते थे, मुझे वो कभी ऐसा लगा ही नहीं जैसा बताया जा रहा है। उसने कई बार मुझसे कहा था कि हम वीडियो चैट करेंगे, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे इसके लिए मजबूर भी नहीं किया। मैं सच्चाई नहीं जानती, सच केवल तभी बाहर आएगा जब CBI इस केस की पूरी जाँच कर लेगी, और इस मामले पर जो है आगे मैं आपको बताऊंगी। उनकी माँ दर्शन देवी ने दीपक खजूरिया की माँ जो है दर्शन देवी, लेकिन अभी यहाँ बात करती हूँ CBI जांच को लेकर, बात करती हूँ दीपक खजूरिया के मंगेतर को लेकर। लगातार मैं अपने प्रोग्राम में CBI जांच की मांग को लेकर आपको लगातार खबरें दिखा रही हूँ, और ऐसे में CBI जांच की मांग को लेकर इन्हों जो दीपक खजूरिया की जो मंगेतर है उसने भी कहा कि CBI जांच होनी चाहिए, और CBI जांच के बाद वो मान लेगी कि दीपक खजूरिया दोषी है। यानी वो उसका कहने का साफ साफ मतलब है CBI जांच होगी, अगर वहां पर दीपक खजूरिया दोषी माना जाता है तो वो दोषी मानेगी, नहीं तो वो दीपक को दोषी नहीं मानती है। इसके बयान उसके स्टेटमेंट का अर्थ तो फिलहाल यही निकलता है, मीनिंग यही निकलता है कि अगर दीपक खजूरिया दोषी होता तो अगर CBI दोषी साबित कर देगी तो मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। SIT की जांच को लेकर उसने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ CBI की जांच को लेकर अभी मैंने आपको बताया कि CBI की जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। यानी कि उसने बहुत पहले जब ये केस सामने आया था तभी उसकी मंगेतर का स्टेटमेंट सामने आया दीपक खजूरिया की, और तभी उसकी मंगेतर ने कह दिया था कि मुझे CBI जांच पे भरोसा है। हालांकि खुलकर नहीं बोला, लेकिन जो उसने वर्ड अगर बोले उस वर्ड को अगर कैच किया जाए, उस वर्ड को कोड किया जाए, तो कहीं ना कहीं मंगेतर को भी CBI की जांच पर ही भरोसा है, SIT की जांच पर भरोसा नहीं है, और उसे खुद अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि दीपक खजूरिया जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो शख्स ऐसा कर सकता है। इंसान के 2 चेहरे होते हैं, और जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। तो दीपक खजूरिया ने जुर्म किया है, उस जुर्म की उसे बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसने इतना गंदा काम किया है, ऐसे हैवानों को तो सीधे फांसी पर ही लटकाना चाहिए, क्योंकि अब तो अध्यादेश भी पारित हो चुका है, तो ऐसे में तो केस तो चल ही रहा है, अगर दोषी पाया जाता है तो इसके लिए ये सजा भी शायद मेरे हिसाब से क्या किसी भी लड़की के हिसाब से, और जो पीड़ित जिनकी बच्ची है या जो भी जो चाहते हैं इस केस को कि इस केस में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, हर कोई चाहता है, ऐसे लोग को तो कड़ी से कड़ी ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उसकी मंगेतर का स्टेटमेंट था CBI जांच पर, और CBI जांच को लेकर लगातार ऐसे तूल पकड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं मंगेतर का स्टेटमेंट इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि भले ही वो कह रही हो कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि दीपक खजूरिया ऐसा कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर दीपक खजूरिया ने ऐसा काम किया है। चार्जशीट ऐसे ही झूठ में कोई किसी के खिलाफ नहीं बना देता है। सवाल उठ रहे हैं SIT की चार्जशीट पर, ये माना जा सकता है, लेकिन
दीपक खजुरिया के खिलाफ अगर इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, इस तरह से उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, तो कुछ तो दम जरूर होगा। और ऐसे एसआईटी ने लिख नहीं दिया होगा कि बच्ची को मारने में उसका भी नाम इन्वॉल्व है। उसने किस तरीके से इस केस को मोड़ा, उसने सांझीराम के कहने पर पहले उसने उसी के हाथ में केस था, इस केस को इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन उसने तो खुद ही यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया। सोचिए किस तरह से। और हम कहते हैं कि पुलिस जो होती है वो आम जनता की रक्षक होती है, यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। सोचिए जरा, जम्मू कश्मीर पुलिस ही क्या, हर पुलिस का यही हाल है। सारी पुलिस ऐसा नहीं कि पुलिस की कार्यशैली पे हमेशा आरोप ही लगते रहते, पुलिस कभी कभी सराहनीय काम भी करती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक बच्ची के साथ दुराचार में पुलिस इंस्पेक्टर शामिल है। सोचिए, जिस पर एक आम जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वो पुलिस इंस्पेक्टर एक बच्ची की सुरक्षा की जगह उसके साथ हैवानियत को अंजाम देता है। सोचिए जरा, यहाँ पर सांझी राम विशाल गंगोत्रा का नाबालिग भतीजा, उसको तो छोड़ी यहाँ पर आनंद एल दत्ता, और यहाँ पर वो तिलक राज जिसने कपड़े धोए बच्ची के, उसमें दीपक खजुरिया भी इन्वॉल्व है। सोचिए जरा से किस तरीके से पुलिस वाले किस तरह जुर्म को अंजाम देते हैं। जितने अपराध होते हैं ना, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं भनक होती है कि आखिर चोर कहाँ होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं केस को मोल्ड कर देते हैं और कहते हैं हमें नहीं मालूम। कई बार इस तरह के आरोप लगे, कई बार इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं। सोचिए जरा, यहाँ पर दीपक खजुरिया के मंगेतर ने भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग उठाई। अब बात करते हैं उसकी माँ को लेकर। उसकी माँ, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा इस तरह के कामों में संलिप्त हो, कोई भी माँ नहीं चाहेगी। उस माँ का कलेजा फट जाएगा कि उसको अपने पर ही घिनाएगी, और कहीं ना कहीं ये घिन इस वक्त दीपक खजुरिया की माँ को भी आ रही होगी कि मेरे बेटे ने किस तरह मेरा नाम बदनाम कर दिया। कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसा नहीं सिखाती कि तुम जाके किसी का गंदा काम करो। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक माँ की परवरिश पर सवाल उठा। हम ये नहीं कह रहे कि माँ ने ऐसा सिखाया, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देते, लेकिन बच्चे जिस तरह से संगत में पढ़ते हैं और फिर इतने गलत, और इसकी फोटो देख के आपको क्या लगता है कि ये बहुत ये बच्चा है, समझदार, शादी होने वाली चीज बन देगी। सोचिए जरा, और आज ये जिस काम में जेल में की सलाखों के पीछे है, उसने इसकी माँ को भी रुस्वा कर दिया है। इसकी माँ जो है दर्शन देवी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो उनकी होने वाली बहू है, हालांकि शादी तो हो नहीं पाई है, कि जेल में मिलना ठीक होगा, मैं खुद भी अपने बेटे से नहीं मिलने गई हूँ। सोचिए जरा, 7 दिसंबर को सगाई हुई थी मंगेतर से, और शादी कब थी, 26 अप्रैल को। सोचिए जरा, और यहाँ पर दर्शन देवी जो कि दीपक खजुरिया की माँ का नाम है, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा है, यहाँ माँ है तो मैं उन्हें सम्मान दूंगी कि वो माँ है, तो उन्होंने खुद कहा है यहाँ पे कि किस तरीके से वो खुद नहीं मिलने गई अपने बेटे से। कोई भी माँ अपने बेटे के खिलाफ नफरत सबके सामने तो जाहिर नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी तो इस बात का एहसास हो रहा होगा कि कितना गंदा काम किया उनके बेटे ने। जाहिर सी बात है, अगर एक महिला ही महिला का सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। दीपिका की बात करूँ या शतामृत शर्मा की बात करूँ, जो एसआईटी की इकलौती महिला पुलिस अधिकारी, जिन्होंने केस की पूरी तफ्तीश की पड़ताल की, सोचिए वो एक महिला होने के नाते बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। ऐसा नहीं है, महिला महिला की दुश्मन, एक कहावत है कि महिलाएं ही महिलाएं की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह की महिलाएं भी आती हैं जो महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए खुद की जान पर खेल जाती हैं। सोचिए जरा, दीपिका तो खुद कश्मीरी पंडित हैं, और कश्मीरी पंडितों का क्या हाल रहा जम्मू कश्मीर, वो आपको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिला रही हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया इस कांड में। सोचिए, यहाँ पर दीपक खजुरिया की माँ का जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आया कि मैं खुद उससे मिलने नहीं गई, तो सोचिए इसमें क्या हो सकता है। उस माँ को भी शर्म आ रही होगी कि कहीं ना कहीं कि मेरे बेटे ने मेरा नाम डुबो दिया। सोचिए जरा, ऐसा कुछ नहीं था कि छोटा मोटा अफसर था ये, और जिस तरह से कठुआ कांड में इसका इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, इसको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर आरोपी दोषी होता है तो। कुल मिलाकर दीपक खजुरिया की मंगेतर का स्टेटमेंट मैं बार बार कोट करूंगी, सीबीआई जांच की मांग की बात कही है दीपक खजुरिया की मंगेतर ने, और उसने कहा है कि मैं सच्चाई नहीं जानती हूं, सच केवल तभी बाहर आएगा जब सीबीआई इस केस की पूरी जांच कर लेगी। ये देखिए, कहीं ना कहीं मंगेतर को भी ये लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोचिए जरा, सीबीआई जांच को लेकर इतना तूल पकड़ रहा है। माँ कहती है मिलना नहीं है, होने वाले मंगेतर कहती है सच तभी बाहर आएगा जब सीबीआई जांच होगी, यानी उसे विश्वास नहीं है चार्जशीट पर जो दीपक पर आरोप लगाए गए। साफ साफ उसके बयान का मतलब यही निकलता है, यानी कि यहाँ पर दीपक दोषी होते हुए भी अपने घर वालों की नजरों में फिलहाल अभी दोषी तो नहीं है, इस स्टेटमेंट से लगता है, ना मंगेतर की नजरों में। और माँ ने तो फिलहाल इतना ही कहा है कि मैं मिलने नहीं गई,
और शाहरुख मिलने भी नहीं जाएंगी ऐसे में। लेकिन कुल मिलाकर दीपक खजूरिया के परिवार की जो स्थिति है वो हमने आपको बताई, उनकी माँ का स्टेटमेंट, उनकी मंगेतर का स्टेटमेंट। हालांकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसकी बहन ने कहा है कि मेरे भाई को फांसी दे दो, ऐसे ये खबर सामने आई थी, आपने हमारे चैनल पर खबर देखी होगी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है, अगर बेटा दोषी है और बेटे ने इस तरह का कृत्य किया है, तो मुझे लगता है इसमें परिवार की जो महिलाएं हैं उन्हें आगे आना चाहिए और खुद सजा की कवायद शुरू करनी चाहिए, सजा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को खुद ही हम पनाह देंगे तो सोचिए समाज किस तरह आगे बढ़ेगा। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक माँ के लिए कदम आसान नहीं होता, एक होने वाली पत्नी के लिए कदम आसान नहीं होता, एक बहन के लिए कदम आसान नहीं होता, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसे लोग समाज में रहे तो समाज गंदा ही कहलाएगा। तो दर्शकों, आपके खास प्रोग्राम में बस इतना ही, बने रहिए आप SPN News के साथ। नमस्कार।